महामंत्री भानु सिंह, ये बताओ महाराज की तबीयत कैसी है? दिन प्रतिदिन हालत में सुधार आ रहा है। अब मेरे महाराज ठीक हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आज खुशी की बात है, मेरे महाराज ठीक हो जाएंगे। और मैं इसका नाम युवराज शमशेर सिंह रखती हूँ। युवराज शमशेर सिंह। और इसको अच्छा। पढ़ने के लिए बिलायत भेजा जाए। इनकी पढ़ाई बिलायत में होगी? महाराज का सर्वनाश हो गया राजस्थान। महाराज का सर्वनाश। महाराणी बेहोश हो गए, उठाओ ले आओ मेरे साथ। खुदा खुदा, मैं काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, दरबार का भंडारी दौड़ते हुए मेरी वो रहा है, लगता कोई बात तो भंडारी क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? महाराज के सर्वनाश नहीं, और उनकी लाश शाही बगीचों को लाई गई, बहुत जल्दी पहुंची, मैं चल रहा हूँ, जल्दी आइए। मेरी महाराज की मौत, इसमें भी कोई बहुत बड़ा राज होगा। मैं कितना बदनसीब हूँ कि महाराज की मैयत में नहीं शिरकत हो सकता। लेकिन नहीं, दरबारी ने बताया महाराज की लाश का अंतिम दाह संस्कार शाही बगीचे के अंदर मान सम्मान के साथ किया जाएगा। या खुदा, मैं राज का बागी हूँ। लेकिन नहीं, राज का बागी होते हुए फिर भी यहाँ से वापस चलता हूँ, जहां पर मेरे महाराज यानी मेरे आका की चिता चल रही है। कुछ दूर खड़े होकर जलती हुई चिता का दीदार करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। या खुदा, मेरी इमदाद करना, इमदाद करना। ध्यान दीजिएगा, महाराज की चिता शाही बगीचे में जल रही है। चिता से कुछ दूर पर खड़ा होकर सेनापति समत खान अपनी बदनसीब आंखों से महाराज की जलती हुई चिता देख रहा है और कुछ कह रहा सेनापति समत खान। मेरे महाराज यानी मेरे आका की चिता जल रही है, जल रही है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस मुकद्दस सीता की कसम खा के कहता हूँ कि जिस तरह से मेरे महाराज की चिता जल रही है, ठीक उसी तरह से मेरे सीने के अंदर ऐसी ही चिता जल रही है। और इसके अंगारे उस वक्त तक नहीं ठंडे हो सकते जब तक कि मैं अपने माथे पर लगे हुए गद्दारी के शाहदार को ना मिटा दूं, ना ही ये मेरे कलम इस मादे वतन की सज्जनी को ना पाक कर सकेंगे। मेरा भाई राजकुमार को नहीं मार सकता, उसे लेकर कहीं ना कहीं जरूर होगा। जब तक मैं अपने भाई वह हार वाले राजकुमार की तलाश नहीं कर लेता, तब तक प्रतापगढ़ अब वापस नहीं आऊंगा। मैंने अपने महाराज की जलती हुई चिता का दीदार कर लिया। या खुदा, या खुदा, या अली। क्या हो करे जा भैया, दो जने रहे पंजाबी, वो भैया कमाए चले, अनपढ़ गंवार रहे, और का पहने थे पंजाबी जानते हो? कुछ जने लुंगी पहने थे, बड़ा के कुर्ता पगड़ा, बिरयानी खाए के चले, मुर्गा। तो जब कुछ आगे आगे बढ़े तो उनके भैया झाड़े सुख सुकान, तो कुछ देर तो सुपुट्टी खींची, जब आगे बढ़े तो झाड़े कर्राए गए, चली न पावे खड़ा होकर बड़ा है। अब ट्यूशन पर जब आंटी गए तो एकदम कर्राए आई, तो दोनों जने सलाह करता है कि यार लेटरिन कहाँ कीन जाए, तो दोनों एक जने वही लुंगी उतारी और घियारा बना ली, वही ट्यूशन पर बैठ के झाड़े फिरे लगे। अब उधर से पुलिस वाले देखी तो कहीं यार वहाँ उग्रवादी आ गए हैं, बम फिट कर रहे हैं, चलो देखते हैं। अब पांच छह पुलिस वाले उनकी अलंका बढ़े तो वह दोनों कहीं अब तो पहलाई हो जाए भैया,
पगड़ी उतार के वही लेटरिन पर धाय दी और धाई के दाब के बैठे। तो आए पुलिस वाले कहने, ए, छोड़ी इसके नीचे क्या दबा के बैठे छोड़। अरे कहीं नहीं साहब, ये हमारे तित्तिर के बच्चे हैं, पिंजड़ा है नहीं, अब खोल दे तो फुर्र से उड़ जे। तो सब पुलिस वाले कहें, एक जाओ पिंजड़ा लाओ, एक दबा के बैठो। यकवा मौका पाए भाग गा, अब वो कहाँ लौट के आवेगा। तो पुलिस वाले कहें, अबे साले तुम्हारा साथी पिंजड़ा लाने गया, अभी तक नहीं आया, तुम उसको जाओ ढूंढ के लाओ, हम लोग दबा के बैठते हैं। अब जितने पुलिस वाले रहे वही का चढ़ चढ़ बैठे कि यस न हुए कौनी सांस पावे निकल जाए फुर्र से। तो दूरी से दरवागा साहब देखें ख्वाब मोट रहा या कुंटल का कहीं ना वहाँ का कोई दुर्घटना हो गई, चलो देखते हैं। अब ले है बुलेट भड़ आए खराब है, इसके नीचे क्या दबा के बैठे छोट। तो सब पुलिस वाले कहते, अरे ना साहब, इसके नीचे पंजाबी के तो दो तित्तिर के बच्चे हैं, वो पिंजड़ा लाने गए, अगर खोल देते तो फुर्र से उड़ जाएगा। तो दरोगा साहब कहीं वो नहीं आएंगे, तुम जाओ उनको ढूंढ के लाओ, पिंजड़ा तुम लाओ, हम दबा के बैठते हैं। अब दरोगा साहब या कुंटल कर रहा चढ़ लेने वहीं पर, वहीं पचनी पुचनी होएगा। तो कहीं लाओ देखी मारेगा कि जिंदा बा, बस ऐसे पगड़ी किंचा बैसारा किहीन और हाथ गाप पसे कुआ से दिखीन। अब वही के नीचे सौंद आता है, वह का मीन जाता है। तो कहीं ना तित्तिर का बच्चा मर गया क्या, लाओ सूंघते हैं इसको, निकारी न हाथ झट से नकोना पर धन फाट से, उनके मुहे भरे में तित्तिर लाग गा। तो ये आए अनपढ़ गंवार के, अरे भाऊ आज मोरा जिया छट पटात बा, हे भाऊ जी आज हे भौजी, हे भौजी, हे भौजी आज ये बता, दरबार में ऐसे बगावत हो रही है, तुम साले यहाँ गाना गा रहे हो? अरे भैया नहीं, तुम्हें बेटा कहने क्या बात है? ससुर हो अब अहीं लुहटी चौराहे तुम्हें बचाए रहे हैं, जाने हो लाओ 200 रुपया हमें दियो। क्या कहा? जीवन समोसा खाए रहे हो? अरे हम ओए 200 हो जोन दे रहे कलिए। हां अरे यार, चार मने के सामने इज्जत न करो यार, रिश्तेदार है। इज्जत नहीं उठा पटका भी बैठा हम, अब निकल जाए पुच्छे से तुहार। सुनो बताई, हैं तो इतना पैसा नहीं मांगा जात? हां जैसे केहू मांगे पैसा ना दिए थोए तो कैसे मांगे जाते? अब हम तुम्हें तरीका बता दिए, वो इसे मांगे हो। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें लगे आओ और तू से 200 रुपया मांगे। हाँ। अब जान लियो हम तुम्हें बतावे तो हम तुम्हारे लगे पैसा नहीं ना, तू कह दे ना दिए वो। अच्छा तो हम तुम्हें सबूत बता दिए कैसे मांगे। ठीक है, घंटा हो सके तो मंगा लियो भैया, पैसा देवो नहीं कस पैसा रे जवान, तुम्हें लोहटी चौराहा दे रहे हैं, समोसा खाए रहे हो, 200 रुपए अलाउ दे। ए फालतू बात ना किया जवान, का कह जाते हो? अरे यार अपने पैसे दे, अपने पैसे तो वही पैसे थे सारे हमारे। पैसा यस मांगा जाता है उल्लू, आज नहीं जान जाए। जय हो कमाख्या माता की। इनका विरह निकाल लिया भाई। अच्छा ए पैसा ला लियो, लियो लियो, घबराओ ना लियो। सर हमारा मतलब निकाल लिए सो, अब क्या कर दिया भैया कर्जा पाती, नया तरीका बताओ बताओ, नहर में बहा दिए भवानी के जाए, हम फिर वहां से कैसे पैसा मांग। हेलो, कहानी का पहला अंक समाप्त हुआ, दूसरा अंक 18 साल बाद जुबेरी सरदार बैठे हैं।
तब तक उनका बेटा बंजारा सूरत पहुंचा, जो महारानी का सगा राजकुमार जुबेरी सरदार के यहाँ पल रहा है, बंजारा सूरज। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जा रहा हूँ मैं तलवार को सीखने, जा रहा जाओ बेटा तलवार सीखने के लिए, लेकिन शाम होने के पहले कबीले चले आना। ठीक है बाबूजी, हम शाम होने से पहले कबीले वापस आ जाऊंगा। शौक से जा सकते। हेलो, महारानी के आदेश अनुसार पूरी रियासत में मुनादी करके बता दिया गया है कि आने वाली 10 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का जन्म दिवस मनाया जाएगा। तीसरी रियासत पन्नापुर, पन्नापुर के महाराज उत्तम सिंह का दरबार, उत्तम सिंह। सिपाही भंडारी व धर्मवीर जाओ देखो मेरी बेटी मधुमती का। गरम नहीं गधे, धर्मवीर बच्ची आओ, बच्ची आओ। पिताजी बात क्या? बेटी मधुमती कहिए। पिताजी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, रियासत प्रतापगढ़ से पत्र आया है, युवराज शमशेर सिंह का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं तो वहां नहीं जा सकता, इसलिए मेरा हुक्म है रियासत प्रतापगढ़ तुम चली जाओ। पिताजी प्रतापगढ़ तो मैं कल जाऊंगी, लेकिन आज आज मेरा दिल इच्छा है कि मैं अपने स्टेट के जंगलों में शिकार करने जाऊं। शाबाश बेटी, मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है जाओ शिकार खूब करना, लेकिन याद रहे शाम होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। अच्छी बात है पिताजी। क्योंकि जब तक आओगे नहीं मेरा दिल नहीं लगेगा। अच्छी बात है पिताजी, शाम होने से पहले मैं आ जाऊंगी। क्या बात? मेराज के बच्चे महाराज नहीं बोल सकता। बोल क्या कहना चाहते हैं? बच्चे के साथ हैं मौजा। मेरी बेटी के साथ तू भी जाएगा? तू वहाँ जाकर क्या करेगा? बच्चे का देखभाल कर, माछी ने बैठे दिया और ना तो सुगा टोट मार। मेरी बेटी कोई सेफ संतरा नहीं है, बहादुर है, शिकार पर जा रही है। जाओ, गलती नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, इसको मत भेजिए। ये एक दिन अपनी बहन के साथ बाजार गया था, ऐसा लगा रास्ते में उसको आंखी मार रहा था। अबे आंखी काट, जाओ यहाँ से जाओ। महाराज हाँ, मेरे लिए क्या हुमुक है? मैं चलता हूँ अपने शहर कच्छ में आराम करेगी, यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। आपके आपके हुमुक का पालन होगा। क्या जाओ चाबुक लेकर आओ पहले।